यहाँ से चले जाओ वरना गांड से जाओगे। चुप तू ये। तेरी माँ का भूसड़ा। एक शब्द तूने मुँह से निकाला ना तो मैं यहाँ से चले जाओ वरना गांड देनी पड़ेगी। मैं तेरे मुँह में लंड दे दूंगी, तेरी मार चोट दूंगी, गांड मार दूंगी। सो ही वुड यू बॉयज एंड गर्ल्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे प्राणी के बारे में जो कि ना ही कोई इंसान है और ना ही कोई शैतान, कसम से बता रहा हूँ बहुत बड़ा मादरचोदी। खैर, तो आज मैं बात करने वाला हूँ भूतों की, ऐसे वैसे भूतों की नहीं, ना 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 ना, ना। इंडियन सोच के भूतों की। तो बस आओ यार और अब बस सीधे शुरू करो। अब देखो, जब बात आई गई है इंडियन टीवी शोज के, हॉरर शोज की, तो 100% जो भूत होगा वो डरावना कम चूतिया ज्यादा लगेगा। क्या है? अबे लंड मेरा। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इस भटकती हुई आत्मा के मुंह पे 2 लीटर एसिड थूका है। और ये मूवी में तो फिर भी ये साउंड इफेक्ट के चलते कांड और लंड फटके हाथ में आ जाती है। पता नहीं कौन से बर्तन पीट के बनाए थे ऐसे मनहूस कांड फाड़ने वाले साउंड इफेक्ट। खैर, बॉलीवुड में एक नई मूवी आई है जिसका नाम है रूही। क्या है? इससे ज्यादा डरावना भूत तो मुझे अगले 100 जन्म तक ना मिले। अबे है क्या ये? इसे देख के 2 साल का छोटा बच्चा भी बोलेगा। क्या बवासीर बना दिए हो? नहीं मतलब तुम देख रहे हो उसे? मतलब एक टाइम पे एक इंसान खेतों पे लटके हुए पुतलों से डर जाएगा, लेकिन ये इससे ज्यादा डरावनी तो मेरे को ग्रैनी लगती है। चूतिया बनाया तुमको। और दोस्तों, इन फिल्म वालों का दोगलापन देखो। इन टीवी शोज वालों के डायरेक्टर ने तो जिसे लड़कियों को ही भूत बनाने का क्रेडिट खा रखा है। तुम चाहे तो रिसेंट मूवीज ही देख लो ना, रूही इसमें लड़की, स्त्री इसमें भी लड़की, घोस्ट इसमें भी लड़की, बुलबुल इसमें भी लड़की। वेल डन। तुम चाहे जितने भी हॉरर शोज मूवी सीरीज देख लो, मैक्सिमम मूवीज में घोस्ट का रोल लड़कियों के लिए ही फिक्स है। गालियां होनी चाहिए यार। और इसी बात पे ना इन सेक्सिस्ट डायरेक्टर लोगों के लिए एक शायरी तो बनती है। म्यूजिक। बहन के लोड़े हर शो में बनाते हैं लड़कियों को ही भूत। आप तो एकदम राइमिंग बोल गए भैया जी। तो देखो, अब हम देखेंगे इंडियन टीवी शोज के फ्लॉप भूत और कुछ ऐसे फ्लॉप भूत जिनको देखकर बच्चे डरने के बजाय ये बोलते हैं, मैं गांड ना फुला मार चोट देंगे तुम्हारी भूत। ओ, मैं तो डर गया। बोलिंग चूत, गांड फट गई मेरी, मेरे तो पिछवाड़े से टट्टी निकल गई 3 बार। अजी लौड़ा। ओ खानदानी लैंड के अंदर, अबे आंख देखो यार, उसकी मोता बिंदु है यार, भुजन के पहले तो जाके उसका इलाज कराओ। गजब ही चुल मची है यार इनको डरने की। और क्या है? अबे भूतनी बनाने को बोला था, इन्होंने तो यार पापा की परी बना दी। वेल डन। ऐसी भूतनी के साथ तो मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता हूँ। अच्छा, अगर तुम मिल जाओ खुदा मिल जाओ। बड़ा हरामी हो बेटा। यहाँ पर जो भी इस पापा की परी भूतनी को 5 मिनट के लिए अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, अपना हाथ उठाइए। अबे ओ मोटा भाई, 5 मिनट क्या यार, अगर 1 सेकंड के लिए भी बोलोगे तब भी मेरा हाथ और लोड़ा सबसे पहले उठेगा। बहुत तेज हो रहे हो हैं, बहुत तेज। Knowing as you must that Christ the Lord brings your pains to nothing, fear him. सबसे पहले तो इस मूवी के लिए डायरेक्टर ने दिए ये भूत के नाम पे पापा की परी। और खानदानी लैंड के अंदर शक्ल देखो उसकी, साला भूत कम स्ट्रगलिंग भूत ज्यादा दिख रही है। मैंने की है मेहनत, जो देखा मैंने पा लिया। चुप। दवा तो पहले से ही बेअसर हो गई थी, अब
और ये कैसे शौक पाल के रखे? माना कि भूत है, इट्स ओके। लाल चीते बंदर की तरह इधर से उधर, उधर से इधर कूदे जा रही है। चुप चुती है, मैं एक भूत हूँ। तो फिर गांड दबा के बैठना पड़वे। मां चोट दी है भैया जी अब तो। आज अगर मुझे अपना प्यार पाना है तो मुझे अपने उस दिन की गलती को सुधारना होगा। सरोज राज निज मन मुकुर सुधार, वरदौ रघुबर विमल जसु, जोदय बलचार बुद्धिहीन। अबे ओ चूतिए, कर क्या रहा है तू? माना कि भूतनी के नाम पे पापा की परी दे रखी है तो क्या हुआ बहन चोत? भूत है वो तो डर ना उससे, एकदम से जकड़ के रखा हुआ है यार। अबे जितनी जल्दी हो सके साले गांड पकड़ के वहां से भाग जा, वरना वो भूतनी भी तेरे को पूछेगी। सेक्स करोगे हमारे साथ? नेवर। कोई रंडी खा रहा है? ये कोई रंडी खा रहा है? बढ़िया था गुरु। तो बस यार आज के लिए बहुत भूतों से इश्क लड़ा लिया। अब अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आखिर कब 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 करोगे? देखो मेरे को नहीं पता, मेरे को इस वीडियो पे लाइक्स करो, नहीं तो तुम्हारे सपने में भी पापा की परी आ जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय। क्योंकि मैं जा रहा हूँ यार, अब ये मत पूछना कहाँ। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? मुतने जा रहे हैं, पकड़ोगे? नहीं। बाय।